Students, now we are learn about perimeter and area of square and rectangle. Perimeter and area of a square. Square has four equal sides. Perimeter of a square is equal to 4 multiplied by side, and area of a square is equal to side multiplied side. ये दोनों फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे. इसी तरह नेक्स्ट देखें. Perimeter and area of a rectangle. Rectangle has two opposite sides are equal. Area of the rectangle is equal to length multiplied by breadth. Area of a rectangle is equal to length multiplied by breadth. And perimeter of a rectangle is equal to twice a length plus breadth. Students, ये आप लोगों के पास exercise number 11.1 है. Find the area and perimeter of the following squares and rectangle. इसमें से question number 2, rectangle. ये मैं आपको solve करवाऊंगी. और question number 9, 4.5 square आपको solve करवाऊंगी. बाकी ये जो हैं, ये सारे 9 के 9 question जो हैं, ये आप लोगों ने अपनी copy पर solve करने हैं. Area of rectangle. Area of rectangle is equal to, ये आएगा length multiplied by breadth. इसमें हमारे पास length जो है वो 6 centimeter है और breadth हमारे पास 4 centimeter. इसको हम अगर multiply करेंगे तो हमारे पास आ गया 24 centimeter square. क्योंकि area find out कर रहे हैं तो ये square हो जाएगा centimeter square. देन हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ is equal to 2 और length हम लेंगे 6 centimeter plus breadth हमारे पास है 4 centimeter. इसको अगर हम करेंगे 2 then हमारे पास आ गया 10 centimeter. 2 multiplied by 10 20 centimeter. ये हमारे पास perimeter आ गया. अब स्टूडेंट आपके पास ना ये डेसिमल वाले भी हैं और विदाउट डेसिमल वाले भी हैं. तो हम ये डेसिमल वाला करते हैं. स्क्वायर 4.5 सेंटीमीटर. इट मींस के फोर साइड्स आर इक्वल और 4.5 सेंटीमीटर देन 4.5 मीटर देन 4.5 मीटर. अब एरिया ऑफ स्क्वायर ये है आपके पास साइड multiplied by side is equal to 4.5 meter multiplied by 4.5 meter is equal to. अब इसको एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 4.5 मीटर है और 4.5 मीटर है. इनको मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20.25 मीटर स्क्वायर. इसी तरह अब हम लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं लिहाजा इसका हमने फॉर्मूला भी जैसे पढ़ा 4 multiplied by side. ये हमारे पास आएगा 4 multiplied by 4.5 मीटर. अभी इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया. 4 को मल्टीप्लाई किया 4.5 जो वन साइड है उसके साथ तो हमारे पास आ गया 18. ये 18 पॉइंट अगर आप 0 भी मेंशन कर लेते हैं दैट्स ओके, और अगर ओनली 18 लिखते हैं तो दैट्स ओके.
अब ये टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने ये सॉल्व कर देना, आप लोगों ने अलहदा सेपरेट आप लोगों ने डायग्राम बना के हर क्वेश्चन की सेपरेट डायग्राम बनानी है और आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। ये 9 के 9 क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी पे सॉल्व करना है। ओके, टिल द नेक्स्ट।